रतन टाटा को अंतिम विदाई दे रहा है। अंतिम दर्शनों के लिए एनसीपीए ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत एक्सप्रेस की इस बड़ी खबर पर लगातार कवरेज जारी है। पल पल की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। कल रतन टाटा ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। इससे पहले एक पोस्ट का भी यहां पर हम जिक्र करेंगे और देखिए तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। शरद पवार तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए शरद पवार पहुंचे हुए हैं रतन टाटा को विदा करने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए शरद पवार की मौजूदगी। एनसीपी नेता तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, तो दिग्गजों का पहुंचना वहां पर लगातार जारी है। देश के महान कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, आज पूरा देश उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। उनके अंतिम दर्शनों के लिए शरद पवार वहां पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, साथ ही किस तरह से वहां पर हुजूम देखा जा रहा है। लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। वहीं एक पोस्ट का भी यहां पर हम जिक्र करेंगे, जो रतन टाटा के आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया था। सेहत संबंधी लोगों की चिंता का जवाब देते हुए रतन टाटा ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान में अपनी आयु संबंधी चिकित्सा स्थितियों के कारण चिकित्सा जांच करवा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं अच्छे मूड में हूं, जो वो हमेशा दिखते भी थे। उनके को देखकर एक सकारात्मक अनुभूति हर किसी को होती थी। वहीं देखिए किस तरह से जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो रतन टाटा की ये छवि बनाकर उन्हें याद करते हुए नजर आए। तो देश के रतन अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां, उनका जीवन हर किसी को प्रेरणा देगा। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति रतन टाटा का जाना। लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। ये जानकारियां भी सामने निकल कर आई कि अचानक ब्लड प्रेशर कम होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा की सेहत को लेकर लोग परेशान थे, तो रतन टाटा की तरफ से ये पोस्ट आखिरी किया गया। उन्होंने ये कहा कि मैं अच्छे मूड में हूँ, चिंता का कोई कारण नहीं है। और आखिरकार रतन टाटा, जिन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को देश को अलविदा कह दिया,